डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एग्जांपल्स की भी हेल्प लूंगा, ताकि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, इवन आपके इंटरव्यूज में कहीं पे भी आपको पूछ ले, आप इजीली और बेस्ट आंसर दे सको। तो गाइस, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, और अगर कर भी दिया है तो और डिवाइस से सब्सक्राइब करवा सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, जिसको हम क्लियर बॉक्स टेस्टिंग भी बोल देते हैं, ग्लास बॉक्स टेस्टिंग भी बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट बॉक्स टेस्टिंग भी बोलते हैं, स्ट्रक्चरल टेस्टिंग भी बोलते हैं। एक्चुअल में इतने नाम यहाँ पे क्यों दिए हैं, सिंपल सी कहानी है कि हम यहाँ पे सिर्फ ये नहीं कर रहे कि लेट्स से ये मेरा प्रोडक्ट है और इसमें मैंने कुछ इनपुट दी और वहां से मेरे पास कुछ आउटपुट आई और मैं सिंपली चेक कर रहा हूं कि मेरे इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट ठीक आई या नहीं। ये होती है ब्लैक बॉक्स। यहां पे तो हमने इंटरनल वर्किंग भी आपकी चेक करनी है कि इंटरनली आपका डेटा फ्लो किस तरीके से हो रहा है, आपकी कैसे जो है वो इंटरनल फंक्शनिंग कैसे चल रही है, वो सारी की सारी चेक की जाती है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर। इसीलिए आप इसको क्लियर बॉक्स, ट्रांसपेरेंट है, मतलब आपको इंटरनली पता लग रहा है चीजों का कि किस तरीके से जो है वो वर्किंग हो रही है। देन यहां पे आप ये भी बोल सकते हो, इज अ मेथड ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग दैट टेस्ट इंटरनल स्ट्रक्चर और वर्किंग ऑफ एन एप्लीकेशन। तो यहां पे आपको इंटरनल स्ट्रक्चर और एप्लीकेशन के बारे में पता लगता है। देन व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कैन बी अप्लाइड एट यूनिट, इंटीग्रेशन एंड सिस्टम लेवल। तो देखो, मेनली जो है इंटेंसिवली या हैविली यूज होती है व्हाइट बॉक्स कहां पे, यूनिट लेवल पे, जब डेवलपर जो है वो मॉड्यूल्स को एक एक करके, जो टीम्स है वो एक एक करके मॉड्यूल्स को क्रिएट कर रही हैं, तो तुरंत वो उनको क्या करती है, टेस्ट करने की कोशिश करती है। तो एवरी स्टेटमेंट मस्ट बी टेस्ट, एवरी डेटा फ्लो मस्ट बी टेस्ट। और इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या आता है, इंटरनल स्ट्रक्चर में आपका डेटा स्ट्रक्चर हो गया, एरेज हो गए, आपका वेरियस मेथड्स हो गए, फंक्शंस हो गए, उसके अंदर आपके पास मल्टीपल कंट्रोल स्टेटमेंट्स होगी, लॉजिक्स होगे, तो उन सबको हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पे टेस्ट कर रहे हैं। बाद में इंटीग्रेशन और सिस्टम लेवल पे भी आप टेस्ट कर सकते हो व्हाइट बॉक्स, लेकिन मेनली या इंटेंसिवली कहां पे यूज होती है, ये यूनिट लेवल पे, ऑल्दो बाकी लेवल पे भी हमारे पास होती है। देन हियर आर सम ऑफ द टॉप व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग टूल्स, इनके भी नेम आप याद रख सकते हो, एटलीस्ट आपको एक दो नेम पता होने चाहिए, क्योंकि स्पेशली इंटरव्यूज में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नेम जो है वो पूछे जा सकते हैं, तो नेम्स जो है वो ये आप नोट कर लेना। देन अगर हम बात करें डिजाइन टेक्निक, तो यहां पे जब हम टेस्ट करते हैं तो टेस्ट करने के लिए हमें टेस्ट केसेस बनाने पड़ते हैं, तो टेस्ट केसेस बनाने के लिए अलग अलग हमारे पास टेक्निक्स हैं, कंट्रोल फ्लो टेस्टिंग हमारे पास है कि एवरी कंट्रोल, मतलब जितने भी कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं उनको हमें टेस्ट करना है, डेटा फ्लो, डेटा का फ्लो किस तरीके से हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने लेट्स से अपने फ्रेंड को पैसे ट्रांसफर करने, 10,000 रुपया ट्रांसफर करना है। अब यहां पे आपने नेट बैंकिंग को ओपन किया, आपने नेट बैंकिंग को ओपन करने के बाद सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आपने चेक करना है कि क्या आपने ऑलरेडी अपने फ्रेंड को एज ए बेनिफिशियरी एड किया हुआ है या नहीं। अगर किया हुआ है तो आप सीधा ट्रांसफर कर सकते हो, नेफ्ट में जा सकते हो, या फिर आप IMPS सिलेक्ट कर सकते हो, RTGS कर सकते हो, मतलब आपके पास एक तरह से पूरा जो है वो फ्लो बन रहा है कि आप किस तरीके से जो है वो मूवमेंट कर रहे हो, तो किस तरीके से आपका डेटा मूव कर रहा है। लेट्स से अगर आपने बेनिफिशियरी ऐड नहीं किया तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बेनिफिशियरी को ऐड करना पड़ेगा। ऐड किया फिर उसके बाद वेट करोगे, दोबारा फिर आप आओगे और फिर आप सेलेक्ट करोगे तीनों में से कोई भी चीज और फिर ट्रांसफर करोगे। तो कहने का मतलब क्या है कि किस तरीके से आपका फ्लो रहा है उसको चेक करना पड़े। ब्रांच टेस्टिंग, जितनी भी गो टू स्टेटमेंट्स है, रिटर्न स्टेटमेंट्स है, ब्रेक स्टेटमेंट्स है, उनको टेस्ट करना पड़ेगा कैसे आपका कंट्रोल जो है वो मूव कर रहा है। स्टेटमेंट, एवरी स्टेटमेंट मस्ट बी टेस्ट। डिसीजन कवरेज, जितने भी डिसीजन टेबल्स हैं, जितने भी आपके पास डिसीजन स्टेटमेंट्स हैं, उनको आपको टेस्ट करना पड़ेगा। पाथ टेस्टिंग, तो इनको हम एक एक करके फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। मेन कहानी व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है वो यहां पे आपको क्लियर हो गई। थैंक यू।